से पहले हम लोगों ने करी है, और उनकी जो बातें हैं पंजाबी है ना, पंजाबी है ठाठ, तो सारे तो जो पुरानी चीज़ें थी उन्होंने समझाई मुझे कि भाई इंडस्ट्री में अगर आए हो तो शगन गुप्ता जी से मुलाकात हुई है, तो मेरे भाग आज खुल गए हैं, क्योंकि तो बहुत सारे लोग कौन से इंडस्ट्री के उन्होंने हमें बताया और अच्छी मित्र बन गई है हमारी, तो आज उनसे उनकी क्लिनिक में हम लोग आए हैं और आज हमारे चेहरे को वो चमकाने वाली हैं, तो देखते हैं आज हमारे लिए स्टोर में क्या है, बाकी देखते हैं भाई। अरे कहाँ है भाई, अरे आओ सही है सर। डॉक्टर शगन गुप्ता इन द हाउस, आज मैं सब कुछ करवाने वाला हूँ, मेरे जो पिंपल विंपल निकल रहे हैं सारी चीजें एकदम टकाटक होने होके जाने वाला हूँ, ताकि अगला जो मेरा शूट हो उसमें मैं ऐसा चमकू, मतलब रेखा जी के गाल की तरह मेरी स्किन हो जाएगी। थैंक यू शगन गुप्ता जी। आई कैसे हो मैं भाई, आई कैसे हैं आप, मतलब आज मतलब इतने दिनों बाद, मतलब मैं देखता तो था ही कि भाई ये कोई है, मतलब सेलिब्रिटी जिन जिन जो हर सेलिब्रिटी की त्वचा को जिन्होंने चमकाया है, तो मुझे लगता था जैसे कि अगर आपने लॉकअप देखा हो, लॉकअप में भी मैं बोला हूँ कि भाई बर्तन घिसे मैंने बहुत, तो मैंने हर बर्तन को घिसते हुए बोला कि भाई बर्तन ऐसे घुसेगा, ऐसे घिसेगा शिवम शर्मा जैसे रेखा जी के गाल की तरह, तो आज हमारे जो शगन गुप्ता जी हैं हमारे हमारे गालों को भी रेखा जी के गाल की तरह चमकाने वाले हैं, तो सारे जितने भी कहते क्या बोलते उसको झुरियाँ आ गई हैं वो गायब होने वाली हैं और अगले शो की तैयारी होने वाली है, तो शगन गुप्ता जी अपना जो जादू की छड़ी घुमाती है हैरी पॉटर वाली, वो जरा हमारे चेहरे पर भी घुमा दीजिए। डेफिनेटली डेफिनेटली, और आज हमारा ये पंजाबी मुंडा इत्थे है, आप ताड़े आशीर्वाद दे ना, सब कुछ हो जाना करना। तो चलो करते हैं कारीगरी, कुछ कारीगरी आतिशबाजी होगी, बूम बाम। एक ओपनिंग फाइट ले लेते हैं तीनों भी चैनल्स, ठीक है गुजराती एक्सेंट है जो ट्रीटमेंट आप लेने वाले हैं और शगुन मैम से मिलके कैसा लग रहा है, थोड़ा सा अगर बताए उस बारे में। भाई देखो आपने जो दो चीजें बोली, ट्रीटमेंट और शगुन मैम से मिलके, तो भाई महादेव ने मुझे शगुन मैम से मिलवा दिया, तुम्हारी जिंदगी को अच्छा ट्रीटमेंट मिलने वाला है आगे, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि ये दीवान एंड ओनली अल्टीमेट डॉक्टर शगन गुप्ता हैं और इनके दरबार में हम लोग आ चुके हैं, और ये जो जादू करती हैं बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ के चेहरे पर, इन्होंने जो अपनी हैरी पॉटर का जो वो वॉन्ड है उससे बहुत सारे जादू करे हैं, तो एक आधा जादू छोटा मोटा हम पर भी होने वाला है, बाकी दुनिया पर तो वो जादू कर ही चुकी हैं जैसे कि आप जानते ही हैं, इनके इंस्टाग्राम हैंडल को आप जाके देखें, छोटे छोटे सीक्रेट्स की देती रहती हैं, बाकी मैंने बहुत बारीकी से इनको पूरा पेज स्टडी करके आया हूँ, छोटे छोटे मतलब जो डाइट भी, मतलब इंसान क्या होता है ना, एक चेहरे का ग्लो अंदर से भी होता है और ऊपर भी होता है, तो अंदरूनी सूरती खूबसूरती तो हमारे आपके सामने है और ऊपर से चमकाने का जो वरदान इन्हें दिया है ऊपर वाले ने, बाकी उसके बारे में यही बताएंगे अब आपको, देखिए आज ये क्या होने वाला है, मैम बताइए प्लीज। शगुन मैम क्या कहना चाहेंगे, शिवम यहाँ पर आया है, सबसे पहले बताइए उनसे मिलके कैसा लग रहा है, क्योंकि लॉकअप में उनको बहुत लोगों ने पसंद किया और फाइनली आज यहाँ पर आया है ट्रीटमेंट लेने के लिए, थोड़ा सा बताइए उनके साथ का एक्सपीरियंस। आप खुद ही देख लीजिए, इतना प्यारा बंदा हैगा, इत्थे पंजाब से हैं, मैं भी पंजाबी आपा, हाँ असी भी पंजाब तो हैं, शिमला से बिलोंग करती हूँ, पर पंजाब पंजाब हमारा पड़ोसी है, पड़ोसी हाँ, जहाँ पंजाबी एक विषय वार्तालाप हो जाता है, पंजाबी गला हो जान, तो बस सॉर्टेड है मामला। तो लॉकअप में जो शिवम ने किया है, मतलब जो धूम मचाई है, और
इतना प्यार मिला है सबको वहां से, और इतना खुद इतना प्यारा है, इतना इतना मतलब हमें सबको इतना एंटरटेन करता है और दिल का बहुत अच्छा है। तो पहले भी मेरी मुलाकात हो चुकी है एक बार, बट उस समय मैंने बोला नहीं कि तुम आओ, क्योंकि अब लॉकअप से निकला है, इतने समय वहां पे रहा है तो उसको जरूरत भी है। तो मैंने कहा चलो भाई आ जाओ आज, और कुछ कारीगरी करते हैं उनके ऊपर, तो आज यहाँ आ गए हैं। तो हम कुछ भाई देखो, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज का सपना होता है कि आके एक बार शगुन जी का हाथ लग जाए उनके चेहरे पर, तो एक मेरे ऊपर भी थोड़ा सा हो जाएगा, तो यार कुछ क्या चला जाएगा। और वो क्या कहते हैं, बॉम्बे की गर्मी तो आप लोगों को पता ही है, और छोटी छोटी चीजें जो सीक्रेट्स अब इनसे मैं अंदर पर्सनली लूंगा और मैं फॉलो करूंगा कि अंदर से भी ग्लो कैसे आया जाए स्किन पर। ऊपर से तो हो ही जाता है, पर मेन होता है ना जैसे एक अंदर से भी जो इंसान फ्रेश होता है। ज्यादा मैम ज्यादा पानी पीना चाहिए क्या आपको लगता है? डेफिनेटली पूरा ज्यादा पानी पीना चाहिए, फ्रूट्स खाने चाहिए, फ्रूट को लगाना भी चाहिए। मैं तो कहता हूं वाटरमेलन की डेट में है, वो इतना हेक्टिक शेड्यूल हो गया है इनका कि थोड़े दाने वाने भी आ गए, दाने वाने भी आ गए, आगे क्योंकि क्या करिए, फेमस इतने हो गए, प्रेशर आ गया, प्रेशर आ गया। और साथ में इतनी गर्मी होगी ना, खूबसूरत सी महिलाएं भी अगर आसपास बैठी हो ना तो भी पिंपल हो जाते हैं। मगर आज हम ये पिंपल भी ठीक करने वाले हैं और काफी अच्छा हम उनके ऊपर ट्रीटमेंट देने वाले हैं। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन वही होने वाला था कि आज की ट्रीटमेंट के बारे में अगर थोड़ा कुछ बताया हमारी ऑडियंस को। ये एक काफ़ी अच्छा इंटरनेशनल ट्रीटमेंट है, जैसे कि अभी उनकी स्किन जो है एकदम से मुरझा गई है, बिकॉज काफ़ी समय से कुछ किया नहीं है। तो हम एक माइक्रो नीडलिंग प्रोसेस करेंगे और उसके साथ हम इसमें बेस्ट से बेस्ट सीरम्स डालेंगे, तो स्किन में एक जान आ जाएगी और अपने आप खुद ब खुद ग्लो करेगी। तो जब ट्रीटमेंट होने के बाद यहाँ बैठेंगे तो डेफिनेटली ही विल शो कि कितना बढ़िया ग्लास ग्लो आया है स्किन पे। तो इट्स कॉल्ड अ डर्मेट्यूड मेटा थेरेपी, यही हम आज इनके ऊपर करने वाले हैं, बिकॉज ये खुद इतने अच्छे हैं, इतने हैंडसम हैं। देखो 3 महीने देखो मुझे, मेरी तारीफ कर रहे हैं, खुद की तारीफ, खुद का तो कुछ देखिए कितने हैंडसम। मैं 72 दिन हम लोग जेल में रहे हैं, तो अंदर इतना कुछ सनलाइट भी नहीं थी हमारे पास, कुछ फ्रेशनेस नहीं थी, तो स्किन डल हो गई है, अंदर जो बेसिक न्यूट्रिएंट्स बनाती है बॉडी वो भी खत्म हो गए थे। तो आज मुझे लगता है कि कुछ जादू होने ही वाला है यार, गाइस जस्ट वेट फॉर इट, बस हम यूं गए और यूं आए, बाकी तब तक आप लोग कुछ खाना पीना खाए यार। मैम का पेज है डॉक्टर शगुन गुप्ता, प्लीज उसको जाकर देखें, आपको ब्यूटी सीक्रेट्स टिप्स मिलेंगे आपको, प्लीज उसको जाकर देखें, डॉक्टर शगुन गुप्ता इन द हाउस। थैंक यू मैम। समर सीजन चल रहा है, क्या आपकी तरफ से क्या टिप्स होगी जो ऑडियंस आपको देख रही है, और बहुत जल्दी बारिश भी होने वाली है तो लोगों को अपना जो हाइजीन है थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, तो उसको लेके क्या कहना चाहेंगे? बस क्लिंजिंग टोनिंग और बढ़िया से अपना ख्याल रखिए, अच्छे सनस्क्रीन लगाइए, SPF 30 और SPF 50 और अच्छे सीरम्स और गुड क्रीम्स, बस यही रहता है कि आपका प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए और मतलब जो आपका हाइजीन से रिलेटेड में कम से कम 2-3 बार दिन में फेस जरूर वॉश करिए, और सेकेंडली पानी खूब पीजिए, और फ्रूट्स भी यार, फ्रूट्स तो डेफिनेटली अब देखो नेचर से रिलेटेड चीज़ें कुछ भी रहेगी तो बेस्ट है। हरी सब्जियां खाइए, फ्रूट्स खाइए, पानी पीजिए, ये तो बिल्कुल सस्ते में अवेलेबल है, आपको कोई ऐसे कुछ करने की जरूरत नहीं है कि इतनी बढ़िया क्रीम खरीदो, ये खरीदो, वो खरीदो, घर के अंदर ही सब कुछ है। कहते हैं ना वो कस्तूरी जो है हिरन के अंदर ही होती है, पर लोग बाहर ढूंढते हैं, तो खूबसूरती भी हमारे घरों में, हमारी चीज़ों में और सस्ते पदार्थों में है जो कि हम यूटिलाइज नहीं करते हैं। तो गाइस आप सब लोग जो भी हमारी पब्लिक है जो सुन रही है, तो जो भी हमारे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं घर में, सब्जियां हैं, फ्रूट्स हैं, दही है, दूध है, ये अच्छे से उनका सेवन कीजिए और अपने आप पानी ज्यादा पीजिए, हाइड्रेटेड रहिए, बस आपका तन मन धन से आप खुश रहेंगे, खुश रहेंगे। शिवम, आपने जो है लॉकअप में धमाल मचा दिया है, आपके फ्रेंड्स दूसरे रियलिटी शोज में भी जा रहे हैं, क्या आपका कोई ऐसा कोई प्लान है? और यार देखो, मैं रियलिटी शो करना पसंद, किसको पसंद नहीं होता, पर एक साल में यार एक ही रियलिटी शो कर सकता हूँ, क्योंकि मैं एक्टर हूँ, अब मैं कुछ नया प्रोजेक्ट एक्टिंग आने वाला है मेरा बहुत जल्द, तो मैं अपनी क्राफ्ट को ज़्यादा निखारना चाहता हूँ, भले कि मैं रियलिटी शोज ही करता रहूँ, मौका मिलेगा तो करेंगे ज़रूर, ऊपर वाले की कृपा रही तो, पर पहले मैं अपनी क्राफ्ट को और निखारना चाहता हूँ। तो कोई एक अच्छा डेली सोप आपके लिए मैं लाने वाला हूँ बहुत जल्द, जस्ट वेट फॉर इट, यूँ गया और यूँ आया, और मैम काम ऐसा करेंगे कि नाम हो जाए
वरना शगुन जी नाम ऐसा करेंगे कि नाम से ही काम हो जाए। वाह वाह शिवम, लास्टली आपसे जानना चाहूंगा मुनावर के लिए क्या बेस्ट विशेस देना चाहेंगे, वो खतरों के खिलाड़ी में जा रहे हैं। गॉड ब्लेस यू मेरी जान, अल्लाह मेहरबान, तू बंदा पहलवान, तू सबसे ज्यादा सर्वशक्तिशाली है। इस वक्त लॉकअप के बाद तू जाके खतरों के खिलाड़ी में गया, तो मेरी बेस्ट विशेस फॉर यू भाई, फोड़ के आई हो, वोटिंग की तो कोई टेंशन ही नहीं है, और यहाँ से वहाँ से कौन कौन से देश से भाई को वोट नहीं आ रहे हमारे, तो वोटिंग वोट बैंक बहुत अच्छा मुनावर फारूकी का, तो गॉड ब्लेस यू भाई, फुल पावर, किल इट। और शगुन मैम आप क्या कहना चाहेंगी, अब अंदर जाने वाले हैं फाइनली, ऑडियंस को कुछ कहना चाहेंगी आप? बस जब हम वापस आएंगे तो उनकी स्किन देखिए, और ऑडियंस को कहूंगी कि जरूर आइए शगुन गुप्ता के पास अगर कोई भी इश्यूज है स्किन को लेके, और परमानेंट मेकअप को खास तौर पे, बिकॉज आई एम स्पेशलिस्ट इन प्रोफेशनल, मतलब लाइक प्रो हैं ये परमानेंट मेकअप करने में, और इनके हाथ की जो कलाकारी है वो, आइए और वो कहते हैं ना मेलोडी खाओ खुद जान जाओ, इसलिए मैं ट्राई करती हूँ, मैं आई कांट यू नो से लाइक आई एम द बेस्ट, बट आई ट्राई माय लेवल बेस्ट टू मेक पीपल ब्यूटीफुल एंड गिव देम द हैप्पीनेस इन देयर लाइफ। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू, गॉड ब्लेस। हो गया
सो शिवम फाइनली ट्रीटमेंट हो चुका है, क्या कहना चाहेंगे, कितना रिफ्रेशिंग फील कर रहे हैं आप? मतलब रिएक्टिवेट हो चुकी मेरी त्वचा, और अभी यहाँ पे थोड़ा सा टेम्परेचर एसी बहुत ज़्यादा है, और थोड़ा सा ज़्यादा होता तो मेरा चेहरा जम चुका होता, क्योंकि मुझे बहुत ठंडा ठंडा लग, एकदम चिल्ड लग रहा है मेरा चेहरा, क्योंकि वो जो शीट मास्क था और वो जो मशीन, वो जो था सीरम था, बहुत ही ज़्यादा एकदम फ्रीजिंग एक्सफोलिएटिंग, मतलब तरोताज़ा हो गई है मेरी त्वचा, अगर हिंदी में अगर स्पष्ट शब्दों का यूज़ करूँ तो। बहुत मज़ा आया, बाकी मैम ने तो
कोरिया की कुछ जर्मन कंपनी, कोरियन कंपनी है, और वो जो माइक्रो नीडलिंग मैंने पहली बार करवाई है अपने चेहरे पर, तो बहुत ही ज़्यादा डर भी लग रहा था, नर्वस भी था मैं, पर वो कहते हैं फर्स्ट टाइम कोई भी चीज़ पहली बार कराओ तो डर तो लगता ही है, पर मैंने कहा रिजल्ट मुझे दिखा, मैंने कहा आज आप आधा करो बाकी बाद में देखेंगे, तो मैंने डरते डरते करवा ही लिया, एंड वेरी नाइस गाइस, बहुत ही ज़्यादा फ्रेश फील कर रहा हूँ, मुझे लगा था कि ज़्यादा गड़बड़ होगी पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, फ़ायदा ही हो गया, देखो लास्ट फिनिश आ गई है, अब मैं घर जाके क्लीन शेव होने वाला हूँ, उसके बाद असली नज़ारा समझ में आएगा, क्योंकि अभी थोड़ी स्टॉप वाला तो ज़्यादा मुझे भी समझ नहीं आ रहा, बाकी देखते हैं हम घर जाके क्या होता है, बूम बाम होने वाला जो भी होगा, बाकी मैम ने किया उनका जादू तो वही जानती हैं, और ये जैसे कोका कोला कंपनी अपना रेसिपी नहीं बताती, इनके हाथों की रेसिपी कोई नहीं बताने वाली, किसी तक नहीं पहुँचेगी, बाकी देखिए मुझको राहट नहीं, आधा काम कर दिया था हमारा, बाकी अब घर जाके देखते हैं, क्लीन शेव होने के बाद जो फेस निखर के आता है ना, मुझे लगता है कि तब समझ में आएगा कि लिटरली मेरे साथ क्या हुआ। मैम आप क्या कहना चाहेंगे, जैसे शिवम कह रहे थे कि थोड़ा सा डर भी लग रहा था, कैसे कंफर्टेबल किया आपने शिवम को? शिवम को कंफर्टेबल करने के लिए मेरे पास जादू की छड़ी थी, क्योंकि एक तो वो मुझे पहले से जानता है, और दूसरा उसको पता है कि जब वो शगुन गुप्ता के पास आएगा तो डेफिनेटली कोई ऐसी कोई चीज़ नहीं होगी जो उसको अनकंफर्टेबल लगेगा, तो ही वॉज़ वेरी कंफर्टेबल, ऐसा नहीं है। हाँ थोड़ा सा उसको पेन से बहुत प्रॉब्लम होती है कि अरे थोड़ा सा भी दर्द हुआ तो यू नो लाइक आई कांट टेक इट, सो आई डिड इट वेरी नाइसली विद द स्लो मोशन, सो ही डिडंट फील इट वेरी डिस्टिंग हार्श, तो अच्छा लगा उनको, और अब तो लगता है नेक्स्ट टाइम थोड़ा खुल गया है, हौसला आ गया उनको, तो नेक्स्ट टाइम जब भी करेंगे तो बोलेंगे खुल के करो, जितना तोड़ना है तोड़ दो। तो फर्स्ट टाइम में मैम डर तो लगता ही है, वो मेरा इनकाउंटर था कि बट क्योंकि नई टेक्नोलॉजी है, यू नेवर नो, बाकी सेकंड जी जहाँ पर शकुन जी जहाँ पर हो तो वहाँ पर डर की कोई विषय नहीं होता है, वहाँ पर बस आप आइए आंखें मूंद कर लेट जाइए उनकी वो जो बेंच होता है वहाँ पर, और इन्जॉय करिए, बाकी सारी चीज़ें तो वो कर ही देती है। तो हमारी ऑडियो कैसे ले रहे हो? ऑडियो आ जाएगा। तो हमारी शगुन जी के लिए एक शायरी अर्ज कर देते हैं, इन्होंने इतना बेहतरीन काम किया हमारी त्वचा पर, तो कहते हैं कि खुदा ने जब मांगने को कहा तो लोगों ने जहान लिख दिया, बारी आई मेरी तो शगुन जी मैंने आपका नाम लिख दिया। ओह माय गॉड, थैंक यू सो मच।